हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल साइन अप आर्ट में स्वागत है। आज मैं एक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, क्रॉस स्टिच की एक फ्लावर डिज़ाइन। तो ये बहुत ही पुरानी एक डिज़ाइन है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूँगी वन क्रॉस से। अब मैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर वाली जो लाइन है, इसमें मैं तीन क्रॉस स्टिच बनाऊँगी। इसके ऊपर वाली लाइन में हमें 5 क्रॉस स्टिच बनानी है। इसके ऊपर वाले लाइन में हमें 3 क्रॉस स्टिच बनानी है। अब मुझे क्या करनी है, ये जो लाइन मैंने बनाया था, इसके कॉर्नर में मुझे 5 कॉर्नर करके क्रॉस स्टिच बनानी है। ऐसे करके इस 3 कॉर्नर में भी मुझे बना लेनी है 5 क्रॉस स्टिच। मैंने 4 कॉर्नर पे ये था 5 कॉर्नर करके क्रॉस स्टिच बना ली। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाले लाइन पे लेफ्ट साइड करके 2 क्रॉस स्टिच बनाऊँगी। इसके ऊपर वाले लाइन पे भी 2 क्रॉस स्टिच बनानी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा घुमा लूँगी
अब मैं क्या करूँगी, ये जो क्रॉस स्टिच बनाया था ये वाला, इसके ऊपर पर वाले साइड पे हमें 3 क्रॉस स्टिच बनानी है। ये 2 और ये 3। अब इसके लेफ्ट साइड में नीचे के ये वाला क्रॉस स्टिच का घर छोड़ के इसके ऊपर वाले साइड से 3 क्रॉस स्टिच बनानी है। अब इसके वाले जो क्रॉस स्टिच का घर बनाया था इसके ऊपर हमें 3 से 3 क्रॉस स्टिच बनाना है। अब इसके राइट साइड में नीचे का ये वाला छोड़ के ऊपर की तरफ हमें और 3 क्रॉस स्टिच बनानी है। अब हमें क्या करनी है, ये वाला जो क्रॉस स्टिच है इसको छोड़ के इस वाले से हमें दाहिनी तरफ 3 क्रॉस स्टिच बनानी है। ये 1 2 अब इसके ऊपर वाले साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे एक गैप छोड़ के राइट साइड पे 3 क्रॉस स्टिच बनानी है। वाले लाइन पे बाई तरफ एक क्रॉस स्टिच छोड़ के दाहिनी तरफ 3 क्रॉस। ऐसा करके इन तीनों के ऊपर भी ऐसा डिज़ाइन हमें बना लेनी है। तो मैं ये बना के आ रही हूँ। तो देखिए मैंने ये चारों कॉर्नर पे ऐसे वाले सेम डिज़ाइन बना दी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा क्रॉस स्टिच है इसके ऊपर वाले लाइन पे लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। मुझे ऐसे ऊपर की तरफ 6 क्रॉस स्टिच बनानी है।
हमारे हो गए 6 क्रॉस स्टिच। अब इसके लेफ्ट साइड में हमें फिर से 6 क्रॉस स्टिच बनानी है ऊपर की तरफ। ये हमारा 6 क्रॉस स्टिच बन गया। अब इसके लेफ्ट साइड में हमें 5 क्रॉस स्टिच बनानी है ऊपर की तरफ। ये हमारा 5 क्रॉस स्टिच बन गया। अब इसके लेफ्ट साइड में हमें 3 क्रॉस स्टिच बनानी है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक एक क्रॉस स्टिच छोड़ दे दिए। ऐसे करके हमें राइट साइड में भी सेम बना लेनी है, तो मैं बना रही हूँ।
तो मैंने दोनों साइड में बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर दो क्रॉस स्टिच बनाऊँगी, एक ये दो। अब हमें क्या करनी है, ये वाले क्रॉस स्टिच के राइट साइड में हमें एक क्रॉस स्टिच बनानी है। इसके ऊपर हमें दो बनानी है क्रॉस स्टिच। इसके दाहिनी तरफ ये वाला क्रॉस स्टिच गैप छोड़ के ये सेकंड वाले से ऊपर की तरफ हमें तीन क्रॉस स्टिच बनानी है। फिर से इसके ऊपर फिर से तीन क्रॉस स्टिच बनानी है, नीचे एक क्रॉस स्टिच का गैप छोड़ के। अब हम यहाँ पर भी सेम बना लेंगे। तो देखिए मेरा एक साइड का हो गया बना के। अब ये जो तीन साइड बचा है मैं तीनों साइड में बना लूँगी।
तो देखिए हमारा ये पूरा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, अगर ये डिज़ाइन आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी। थैंक यू।